बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबद दोस्त इलेक्ट्रिशियन। आप देख रहे हैं आबद दोस्त यूट्यूब चैनल। जी प्यारे दोस्तों, कैसे हो? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आपके दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूं। जी मैं अपने प्यारे दोस्तों की खिदमत में आज एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। जी दोस्तों, आज हमारी कोई भी बिजली के काम की वीडियो नहीं रहेगी, कोई भी प्रैक्टिकल, कोई भी प्रेस्ट वगैरह करने की वीडियो नहीं रहेगी, कुछ ना सीखने की ना सिखाने की। आज का हमारा ब्लॉक है बाहर वाला, वो जो पानी के एहसास जो अरबी में बोलते हैं, फुहारे वगैरह लगे हुए हैं। जी आज को पहाड़ों के अंदर वो जो खूबसूरत नज़ारे आज वो देखेंगे, आज बैक कैमरा करके। जी दोस्तों, पानी वगैरह अभी शुरू है, अभी बहुत सारा बहुत खूबसूरत मंजर शुरू है। अभी वीडियो अभी यहां से रोक के बैक कैमरा कर लेते हैं। करने के बाद में जी दोस्तों, जितने भी पहाड़ वगैरह खूबसूरत, जो लोगों ने मेरी वीडियो को पहले नहीं देखा है, आज हमने उसी को ही दिखाना है, उसी को यहां से अपने होटल का खूबसूरत मंजर वगैरह, घास का, दरख्त का और कुछ सूखे पहाड़ों का दिखाना है। जी दोस्तों, जो दोस्त मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं अपना तारफ करवा रहा हूँ। जी दोस्तों, सऊदी अरब मदीना मनवरा से ये जगह है, तकरीबन 350 किलोमीटर दूर का एरिया है। मैदान सालिया ले सलाम अल्लाह के प्यारे नबी से, उस वहां का एरिया है। यहां से ये पहाड़ों के अंदर होटल है। मेरा नाम आबद है और यहां से मेरा इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब का चैनल है। कभी कभी मैं ब्लॉग वगैरह भी बनाता रहता हूं। जी आज का जो ब्लॉग ही है, जो आप लोगों को वीडियो बैक कैमरा करके मैंने दिखाना है, जो पहाड़ों के खूबसूरत एरिया वगैरह, मंजर वगैरह। जी दोस्तों, बैक कैमरा कर लेते हैं अभी, देख। जी फ्रेंड, यहां से ही शुरू कर लेते हैं रूम के अंदर से। यहां से इस रूम के अंदर मैं काम करने आया था। यहां से जे रूम के इस तरीके से बेड वगैरह लगे हुए हैं, खूबसूरत है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। डेकोर वगैरह भी बेड की जे पीछे वाला इसका लकड़ी वगैरह का फर्नीचर में से बना हुआ है। उसके बाद जो ऊपर वाली लाइट है, जो बाहर वाला दरवाज़ा वो निकलने वाला है। यहाँ से जो टीवी लगा हुआ है, टेलीविज़न, तो एसी इस साइड पर है। यहाँ से अभी जो टेलीविज़न है, यहाँ से इसके अंदर छोटे तलाजे वगैरह रखे हुए, छोटी फ्रिजें। यहाँ से ये काम करने आया था, रिसीवर वगैरह ऑन किया है, रिसीवर ये हमने लगाया है 5 स्टार का। तो टीवी वगैरह ऑन हो गया है, अभी हम बाहर निकलते हैं। यहाँ से जो बाहर वाला निकलने का रास्ता है, इधर निकलने के बाद में जी दोस्तों बाहर वाला खूबसूरत मंजर वगैरह भी देखते हैं। जी फ्रेंड, ये बाहर से इसी तरह का मंजर है, माशाल्लाह जे पानी के फुहारे वगैरह लगे हुए हैं, पानी निकल रहा है, बहुत खूबसूरत। पीछे वाली साइड पे बहुत ऊंची से ऊंची पहाड़ियां हैं, 200 फुट ऊंची। उसके बाद अभी इस साइड से भी रास्ता वगैरह जा रहा है, जितने भी साइड में भी जे भी वो खूबसूरत पेड़ वगैरह खूबसूरती के लिए लगाए हुए हैं। कोई फल फ्रूट वाले नहीं है, लेकिन सिर्फ खूबसूरत मंजर के लिए ही लगाए हुए हैं। यहाँ से जो लालटन वगैरह लगी हुई है, ये रास्ता इधर की तरफ जा रहा है। इस साइड में सो जितना भी दफ्तर वगैरह और रूम वगैरह इस साइड में, दोनों साइड में बने हुए हैं, 40 रूम है यहाँ से दोस्तों। उसके बाद जे भी पानी के फूल वगैरह भी लगे हुए हैं, पानी इसको ऑन है, पानी चालू किया हुआ है। यहाँ से फुहारे वगैरह चल रहे हैं दोस्तों, माशाल्लाह। बहुत पीछे वाली साइड में सूखे पहाड़ है, बहुत ऊँचे ऊँचे, वो भी अपनी ही जगह पे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त नज़ारे हैं। जी दोस्तों, आप दोस्तों को देखने के लिए मिल रहे आज यहाँ से। अभी ये फूल वगैरह भी देखते हैं, कुछ ये फूल वगैरह लगे हुए हैं जितने भी सारे। उसके बाद ये पानी के फुहारे वगैरह चालू ने सारे घास को पानी लग रहा है और फूलों को भी। यहाँ से जे भी फूल वगैरह ने दोस्तों, यहाँ से जे भी फूल वगैरह, इधर बहुत फूल ने माशाल्लाह ज़बरदस्त घास लगा हुआ जितना भी सारा। यहाँ से भी एक एक देखते हैं, गुलाब का दरख्त भी लगा हुआ। यहाँ से जे गुलाब का एक पेड़ लगा हुआ है, ये देखते हैं गुलाब भी माशाल्लाह लगे हुए हैं। गुलाब के बहुत फूल लगे माशाल्लाह, अभी और भी लग रहे हैं। यहाँ से जो मकम्बल तैयार हो रहे हैं, यहाँ से दोस्तों जे भी लगे हुए हैं, जो पानी के लिए बनाया हुआ है, 3 लकड़ी लगा के। इसमें से भी पानी की मोटर वगैरह लगाई हुई है, अंदर पानी जब गिरता बाल्टी के अंदर। अभी कचरा वगैरह है, कभी सफाई नहीं किया, सफाई हो जाएगा तो मोटर चालू हो जाती है।
जहाँ से पानी वगैरह बाल्टी के अंदर भर के गिरता है, बस डोकर के लिए बनाया हुआ है यहाँ से कुआं। उसके बाद एलईडी लाइट वगैरह लगी हुई है यहाँ से, जब भी फूल वगैरह ने यहाँ से। फ्रेंड ये भी एक यहाँ से नींबू का पेड़ है, लगे नहीं है, अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो फिर लगना शुरू हो जाएंगे। तो फूल वगैरह बहुत है माशाल्लाह, आखिर तक जितने भी ज़बरदस्त दरख्त वगैरह ने, यहाँ से भी फूल वगैरह है ने दोस्तों, अभी देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत है। यहाँ से अभी दोपहर का 12 का टाइम हो गया है, जी फ्रेंड ये रास्ता इधर को जा रहा है इस तरफ, अभी जाते हैं इस साइड में, आगे भी कुछ जाके देखते हैं। अभी इस साइड से बैक पीछे वाली साइड से जो रास्ता अभी देख लिया है, उस साइड में से अभी आगे की तरफ इस साइड से हमने जाना है, अभी जा रहे हैं। जी फ्रेंड यहाँ से भी अभी पानी के फुहारे चालू है, पानी के अंदर ही जा रहा हूँ। यहाँ से भी एक नीचे टप पानी के अंदर इसको गड़ाई किया हुआ, यहाँ से दबाया हुआ है, गोड़ने के बाद में इसके अंदर से पानी वगैरह भरा रहता है और मोटर चालू है, पानी ऑन है। इसके अंदर भी छोटी सी मोटर लगाई हुई है बिजली के अंदर से। जी दोस्तों देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत है, दरमियान में पानी फुल भरा रहता है, वो एक मटका रखा हुआ, मटके के अंदर मोटर लगाई है, वो पानी जो बाहर फेंक रही है। जी फ्रेंड यहाँ से बेरियाँ के नीम के पेड़ वगैरह है, बेरियाँ तो काट दी, अभी नीचे दोबारा फूट के बड़ी हुई है, इसको भी लगते थे बेर वगैरह काट दी है, लेकिन इनसे रहा नहीं गया, तो अभी क्या कह सकते हैं, लेकिन काट दिया तो चलो काट दिया। अभी इसमें से बेरियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी, तो इसमें से नीचे जे देख लें, अभी नीचे फूट के दोबारा इतनी बड़ी बड़ी हुई है, कब लगेगी, तकरीबन साल दो साल लग जाएंगे दोबारा बेर लगाने के लिए। फ्रेंड यहाँ से इसके अंदर भी डायरी वगैरह ने, इसके ऊपर लालटेन लगी हुई, तो तीन राउंड किए हुए इनके यहाँ से, अभी तीनों के ऊपर भी इसके में भी पानी वगैरह नहीं भरा, पानी भरता तो पानी भरा हुआ है लेकिन मोटर नहीं चालू की, इसमें से पानी वगैरह भी चलता ऊपर गिरता ऊपर निकल के। ये एक राउंड है, उसके बाद में ये दूसरा, उसके बाद तीसरा राउंड यहाँ पे है। माशाल्लाह ज़बरदस्त है, जे भी दरमियान पे जो डेयरी वगैरह बनाई, इसके ऊपर लालटेन वगैरह रात के टाइम चलती है, और इसके अंदर जी अलवीरा के लगे हुए हैं कुवार गंदल, तो यहाँ से भी जे फूल वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ से सबसे एक बड़ी पहाड़ी जे है हमारे होटल में साथ में, जो खूबसूरत दिखाई देती है हर आदमी को। यहाँ से फ्रेंड ये अभी पानी का नफूरा बना हुआ है, जब इसको बनाया था इसमें मोटर वगैरह ऑन की, लगाई चालू की नई मोटर, तो इसका भी पानी कम है इसलिए कम आ रहा है। ये मटका ऊपर लगाया, मटके में से इसमें गिरता है, इसमें से फिर इसमें आता है, इसके से फिर टप के नीचे अंदर पानी जाता है। इसकी वीडियो वगैरह मेरे चैनल पर है, अगर देखनी हो तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं जब इसको नया बनाया था। जी दोस्तों इसको भी जब इसका मोटर वगैरह लगाई जाए नया, बिल्कुल इसको फिटिंग वगैरह किया था, इसकी वीडियो वगैरह भी लादा से है मेरे चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। जी दोस्तों इसमें पानी वगैरह नहीं डाला, जे भी एक पानी का, यहाँ से अरबी में तो नफूरा ही बोलते हैं अपनी ज़बान में, उर्दू में तो पता नहीं क्या बोलते होंगे इसको, खूबसूरत है जे भी माशाल्लाह, जब पानी वगैरह चलता है इसमें भी। इस साइड से पीछे वाले रास्ते से देख के जो आप लोगों ने पहले देख लिया है, इस साइड से आगे की तरफ हम जा रहे हैं।